हम एक महत्वपूर्ण घटना की कथा सुनते हैं, जब राजसूय यज्ञ के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचनों के माध्यम से धर्म का गहन संदेश प्रस्तुत किया। ये कथा हमें धर्म, सत्य और न्याय के महत्व समझाने के लिए प्रेरित करते हैं। जब युधिष्ठिर ने अपने साम्राज्य के विस्तार और धर्मराज के रूप में अपनी स्थिति को सिद्ध करने के उद्देश्य से इस राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, तब कई राजा और प्रमुख व्यक्ति उसमें शामिल हुए। इस यज्ञ के दौरान यह निर्णय लिया गया कि सबसे पहले किसे सम्मान किया जाएगा, जिसे अग्र पूजा कहा गया। युधिष्ठिर ने कहा, हे भाइयों और सभी महाराजाओं, इस राजसूय यज्ञ के दौरान सबसे पहले सम्मान किसका होना चाहिए, इसे तय करने का समय आ गया है। मुझे विश्वास है कि इस सम्मान के लिए कोई भी भगवान श्री कृष्ण से अधिक योग्य नहीं हो सकता। उन्होंने हमें हर संकट में मार्गदर्शन दिया है और धर्म की रक्षा के लिए सदैव हमारे साथ खड़े हैं। वे धर्म के साक्षात स्वरूप हैं और इसीलिए मैं सर्वसम्मति से प्रस्तावित करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा का सम्मान दिया जाए। जब दुर्योधन ने देखा कि सभी लोग श्री कृष्ण का सम्मान कर रहे हैं और उनकी अग्र पूजा हो रही है, तो वो काफी क्रोधित हो गया। उसे यह सहन नहीं हुआ कि श्री कृष्ण को इतना मान सम्मान दिया जा रहा है, और उन्होंने ये कह डाला कि क्यों इस ग्वाले को अग्र पूजा के लिए चुना गया है, वो कोई राजा नहीं है, वो तो एक साधारण ग्वाला है जिसने केवल अपने चालाकी और कपट से अपना स्थान बनाया है। हमें चाहिए कि हम किसी महान योद्धा, किसी राजा या महाराजा अधिराज का सम्मान करें, न कि ऐसे साधारण व्यक्ति का जिसका कोई राजकीय पद ही नहीं है। दुर्योधन के इस वचन में उसका अहंकार और ईर्ष्या स्पष्ट रूप से दिखा। वो ये सहन नहीं कर पा रहे थे कि श्री कृष्ण को इतना सम्मान मिल रहा है, और उसने अपने क्रोध में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। इस परिस्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी प्रकार का क्रोध या नाराजगी नहीं दिखाई। उन्होंने शांतिपूर्वक दुर्योधन की बातें सुनी और उसे किसी भी प्रकार से बुरा नहीं कहा। श्री कृष्ण ने न केवल धैर्य और शांति का प्रदर्शन किया, बल्कि दुर्योधन को समझाने की कोशिश की। हे दुर्योधन, मैंने तुम्हारे मन की व्यथा को समझ लिया है। तुम मेरे प्रति क्रोधित हो क्योंकि तुम मुझे एक साधारण व्यक्ति मानते हो, और यह तुम्हारे अहंकार और ईर्ष्या का परिणाम है ना? लेकिन सुनो, श्रेष्ठता या सम्मान व्यक्ति के बाहरी दिखावे, धन और पद से नहीं आका जाता। सच्ची श्रेष्ठता उस व्यक्ति की होती है जो अपने कर्तव्य का पालन धर्म सत्य के मार्ग पर चलकर करता है। तुम मुझे ग्वाला कहते हो, और यह सब सच है कि मैंने ग्वालों के बीच अपने जीवन की महत्वपूर्ण जीवन बताए हैं, वर्ष बिताए हैं, लेकिन ग्वाला होना कोई नीचा नहीं है। जो प्रेम, सेवा और समर्पण से बड़ा हो, वो चाहे ग्वाला हो या राजा, वो श्रेष्ठ है। मैं ना तो यहाँ राजकीय पद की प्रतिष्ठा के कारण हूँ, ना ही सम्मान का भूखा हूँ। यह सम्मान मेरे लिए नहीं है, बल्कि उस धर्म के लिए है जिसे मैं समर्थन करता हूँ। ये अग्र पूजा वास्तव में उस धर्म और सत्य की पूजा है जिसे हर युग में कायम रहना चाहिए। यह पूजा उस निष्ठा की पूजा है जो किसी भी प्रकार के लोभ, अहंकार या द्वेष से ऊपर होते हैं। जो व्यक्ति सच्चे धर्म का पालन करते हैं, उसे किसी प्रकार के बाहरी सम्मान की आवश्यकता नहीं होती। उसका कार्य, उसका धर्म ही उसका सबसे बड़ा गवाह होता है। हे दुर्योधन, अहंकार किसी का मित्र नहीं होता। तुम्हारा ये क्रोध और ईर्ष्या तुम्हें अपने कर्तव्य से दूर ले जा रही है। धर्म वो मार्ग है जो सत्य, न्याय और निष्ठा से भरी हो। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि अपने हृदय से इस द्वेष और अहंकार को निकाल फेंको, धर्म के मार्ग पर चलो। देखो, ये तुम्हें सच्चे आनंद
और सम्मान की ओर ले जाएगा। अग्र पूजा का यह सम्मान इसलिए है क्योंकि मैं उस मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूं जो धर्म का मार्ग है। यदि तुम भी इस मार्ग का पालन करोगे तो तुम्हें भी वही सम्मान प्राप्त होगा। दुर्योधन, धर्म के मार्ग पर चलना सच्ची श्रेष्ठता का मार्ग है। अपने आचरण को धर्मपूर्ण बनाओ, अपने हृदय को शुद्ध करो और अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करो, तभी तुम्हें सच्चा सम्मान और गौरव प्राप्त होगा। हे दुर्योधन, धर्म का अर्थ केवल यज्ञ पूजा और भौतिक प्रदर्शन नहीं है। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना बिना किसी स्वार्थ और अहंकार के। ये वो मार्ग है जो आत्मशुद्धि की ओर ले जाता है और जो संसार में सच्ची शांति और समृद्धि लाता है। यदि तुम इस मार्ग को अपनाने का प्रयास करोगे तो न केवल तुम स्वयं बल्कि तुम्हारे आसपास का संसार भी इससे लाभान्वित होगा। हे दुर्योधन, ये समय तुम्हारे लिए एक चेतावनी की तरह है। अपने भीतर झांको और देखो कि तुम वास्तव में धर्म का पालन कर रहे हो या केवल अपने अहंकार के पीछे दौड़ रहे हो। धर्म का पालन करना ही सच्ची विजय है और जो इस मार्ग पर चलता है उसे अंततः सच्ची सफलता मिलती है। फिर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का समर्थन किया और कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आपका सम्मान करना हमारा सौभाग्य है। आपके द्वारा दिखाए गए धर्म और सत्य के मार्ग पर हमें हर संकट से उबारा है। मैं और मेरी सभी भाई आपके प्रति अत्यधिक सम्मान रखते हैं और हम जानते हैं कि आप ही हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। इस राष्ट्रीय युग में अग्र पूजा के लिए आपसे अधिक कोई यज्ञ नहीं हो सकता। और उन्होंने श्री कृष्ण जी का आदर करते हुए उनकी उपस्थिति को राष्ट्रीय यज्ञ के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना। भारत की इस राष्ट्रीय यज्ञ के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के वचन न केवल दुर्योधन के लिए थे बल्कि सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। उन्होंने अपने वचनों के माध्यम से यह सिखाया कि सच्ची श्रेष्ठता केवल कर्म और धर्म के पालन से मिलती है, न कि बाहरी प्रदर्शन से। श्री कृष्ण का संदेश था कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन जो इस मार्ग पर चलता है उसे अंततः सच्ची सफलता और सम्मान प्राप्त होती है। अहंकार और देश को छोड़कर सच्चे कर्तव्य का पालन करना ही सच्चे धर्म का पालन है। और यही संदेश हमें भगवान श्री कृष्ण के वचनों से इस राष्ट्रीय युग के संदर्भ में महाभारत से पता चलती है।